अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई विश आल के पी द स्टार वेदर को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम इन किड्स आर्ट्स एंड ड्राइंग विद केपीएस। सो केपीएस आज लाया है आपके लिए टाइटल नंबर 18। सो आज का हमारा टाइटल है अबाउट क्रोकोडाइल। सो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम क्रोकोडाइल का स्केच कैसे बना सकते हैं। तो क्रोकोडाइल का स्केच बनाने के लिए सबसे पहले हम 222 लिखेंगे। याद रहे जब आप 2 लिखेंगे तो 2 में सब 2 का स्केच जो है उसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों की सेम होनी चाहिए। सो 222 लिखने के बाद हम इसमें से क्रोकोडाइल का स्केच ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। वेरी इजी एंड वेरी वेरी सिंपल स्केच। आपको दिखने में ये बहुत ज़्यादा टिपिकल लगेगा लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी टिप्स के साथ बहुत जल्दी ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं हम फर्स्ट 2 से क्रोकोडाइल का माउथ बनाएंगे। हम इसकी लाइन को टर्न करेंगे और इसमें से जो है हम इसका माउथ बनाए हैं। देन हम उस 2 के अंदर ही उसकी आइज बना देंगे और आइज में थोड़ी सी हम फिलिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम 2 के पास में ही उसका जो है वो नोज़ बना देंगे। तो यहाँ तक इसका माउथ जो है वो डन हो गया है। याद रहे यहाँ हम बिल्कुल हल्की फिनिशिंग कर रहे हैं। जब मैं इसको आउटलाइन दूंगी तो कुछ चीज़ें मैं मार्कर से बाद में बनाऊंगी। यहाँ बिल्कुल सिंपल आउटलाइन कर रहे हैं, सिर्फ स्केच की आउटर लाइनिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर जितनी भी फिनिशिंग होगी या इसमें और कोई चीज़ रिमेनिंग रह जाएगी तो वो हम आउटलाइन करने के बाद बनाएंगे। सो आप देखें हमने सेकंड 2 से इसका लेग बनाए हैं, फीट बनाए हैं और इस तरह से हमने क्रोकोडाइल के फीट बना लिए हैं। और इसी तरह से हम इन 2 को आपस में कर्व लाइन के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे हम इसकी टेल बनाएंगे। तो टेल को बनाने के लिए हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे और लाइन ड्रा करके अच्छा याद रहे इसके ऊपर थोड़े स्केल टाइप होते हैं। तो जब हम इसको कंप्लीट आउटलाइन कर लेंगे देन हम इसके ऊपर जो है वो जिगलेग लाइन के साथ इस जो है वो स्केल्स को बनाएंगे। सो यहाँ हमारा स्केच कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको पूरे को आउटलाइन कर लेंगे देन हम उस आउटलाइन को बोल कर लेंगे। उसके बाद जो है बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें रहेंगी ये हम उन्हें बनाएंगे। सो डियर खानियंस यहाँ हमने आउटलाइन कर ली है। अब जो है हम इसकी टीथ बना रहे हैं। तो टीथ हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, छोटी जिगजैग लाइन बना देंगे, इससे जो है टीथ बन जाएगा। अब हम इसकी टेल के ऊपर स्केल्स को शो करेंगे। तो स्केल को शो करने के लिए हम इस तरह से जिगजैग लाइन लगा लेंगे। सो डियर स्टूडेंट अब जो है हम इसकी टेल में वर्टिकली इस तरह से लाइंस लगा लेंगे और इसी तरह से इसकी पूरी बॉडी में लाइन लगा लेंगे। देन हम उसमें हॉरिजॉन्टली लाइन लगा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने इसकी पूरी बॉडी में लाइंस लगा ली है और ये छोटे छोटे जो है वो स्क्वायर बन गए हैं। अब जो है हम इसमें कलर करेंगे। कलर हम सिर्फ 2 ही कलर से करेंगे, एक ग्रीन एंड एक जो है वो स्काई ब्लू। सो पहले मैं ग्रीन से पूरे क्रोकोडाइल में शेड दे दूंगी, सिर्फ अपर साइड पे। अपर पूरी साइड पे मैं ग्रीन के साथ शेड दे लूँगी, देन लोअर साइड पे मैं स्काई ब्लू के साथ शेड दे दूँगी। तो आपकी मर्ज़ी, आप पूरे में कलर को फिल कर लें या आप सिर्फ शेड दे दें, या आप पर डिपेंड करता है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कलर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा स्केच जो है वो कम्प्लीटली डन हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपने भी ऐसा प्यारा सा स्केच बना लिया होगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइटल नंबर 19 में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।